जा रही हूँ लेंटल सूप। लेंटल सूप के लिए हमें चाहिए ऑरेंज दाल, उससे बनाया जाएगा। उससे पहले सबसे पहले पैन गरम है, गरम पैन में 2 टेबलस्पून बटर ऐड करूँगी। अगर बटर नहीं है तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बटर को गर्म होने देंगे। बटर मेल्ट हो रहा है, इसमें इसी टाइम ही एक प्याज बड़े साइज की मैंने काट के कोर पीसेस में काटी थी वो शामिल कर देनी है। और बटर को अगर ज़्यादा मेल्ट करेंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा, इसलिए मेल्ट होते हुए उसमें ही प्याज शामिल कर देनी है। इसको थोड़ा सा सोते करेंगे प्याज को। जो मैं लो टू मीडियम हीट पे कुकिंग हो रही है, लो टू मीडियम रखना है। प्याज हमारी सोते हो गई है। अब इसमें मैं एक दरमियाने साइज का आलू स्क्वायर पीसेस में काट के इसको भी शामिल कर देना है। साथ ही इसमें हम गाजर एक दरमियाने साइज की काटी थी और उसके भी स्क्वायर पीसेस काट लिए थे, वो भी शामिल कर देनी है। इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स करके इसमें अभी मैंने स्पाइसेस इसमें कोई भी ऐड नहीं किया, जस्ट इसे बटर में कुक कर रही हूँ। इसे मैंने थोड़ा सा कुक किया था 2 से 3 मिनट तक। अब इसमें 1 टीस्पून लहसुन की ऐड कर देंगे, फ्रेश लहसुन कूट के डाल देना है। इसको थोड़ा सा कुक करेंगे इसके साथ और साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। लहसुन के साथ ही 1 टीस्पून भर के नमक की डाल देनी है। नमक कम हुआ तो वो चेक करके बाद में और शामिल कर देना है। उसके अलावा काली मिर्च 1 टीस्पून और इसे मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें मैं जीरा पाउडर ऐड कर दूंगी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर मैंने शामिल कर दिए इसमें। काली मिर्ची और जीरा पाउडर बेहतर है आप घर पे ही पीस ले, वो सबसे बेस्ट होता है। उसमें ये होता है कि आप मार्केट से लेके आएँ, उससे वाश कर दें, वाश करके उसे ड्राई करके उसे घर में ही पीस लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। जीरा पाउडर को भी वाश करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी और स्टोन्स होते हैं, तो उसको अगर वाश करके तो इस्तेमाल कर दें फिर वो सबसे अच्छा रहता है। इसमें आधी प्याली में टमाटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। टमाटर आप फ्रेश टमाटर रेड वाले यूज़ कर सकते हैं उसका पेस्ट बना के। ये मैं मार्केट का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्रेश टमाटर का भी पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं बना के। इसको थोड़ा सा पकाना है फिर हम दाल शामिल कर देंगे इसमें। टमाटर सॉस को थोड़ा सा पकाइए 1 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए। अब इसमें दाल शामिल कर देंगे। दाल मैंने ऑरेंज मसूर वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे मैंने वॉश कर दिया था, भुगोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जल्दी कुक हो जाती है, तो इसको मैं शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन मैंने 1.5 कप ली है दाल। दाल शामिल करके इसे मिक्स करना है। मिक्स करके इसमें मैंने पानी डालना है। पानी डाल के इसे दम पे 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दाल नरम हो जाए और जो गाजरें और आलू हम लोगों ने डाले हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। इसमें अभी मैं पानी साथ ही शामिल कर देती हूँ, 1 लीटर ये पानी है, थोड़ा और शामिल करूँगी इसमें। इसमें 1/2 लीटर मैंने और तकरीबन मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया है। इसे पकने के लिए रखते हैं, बाद में हम इसे पार्सले और क्रीम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अब
ये दाल ब्लेंड हो चुकी है अच्छे से। अब इसमें पार्सले लीव्स शामिल कर देने हैं। पार्सले लीव्स हर्ब भी है, ये बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए भी। ये पार्सले लीव इसमें शामिल कर दिए। अब ये हमारा सूप तैयार है। जब हम इसे सर्व करेंगे तो क्रीम और थोड़ा सा रेड चिली सॉस हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। अब सूप को हम सर्विंग बाउल में डाल देंगे। ज़रा पास कर दें। सूप के ऊपर आप थोड़ी सी क्रीम इस्तेमाल करें। क्रीम इसको बहुत अच्छा एक फ्लेवर देगी और इसके अलावा चिली सॉस डाल दें अगर आपको पसंद है इसके साथ, अदरवाइज आप ना इस्तेमाल करें। क्रोटॉन्स के साथ, क्रोटॉन्स की रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये सूप सर्व किया जाता है। ये रेडी है, आप ज़रूर एंजॉय करेंगे।